आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने लिखा है कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का बोइंग 737 विमान तेंगशियान काउंटी के बुजो शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे आसपास के पहाड़ी इलाके में आग लग गई। सरकारी प्रचारक GCTN टीवी की खबर के अनुसार विमान कंपनी के घोषणा की है कि विमान में कोई विदेशी नागरिक सवार नहीं था। खबर के अनुसार विमान में मौजूद चालक दल के कुछ सदस्यों के परिजन चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के यूनान प्रांत स्थित ब्रांच कार्यालय पहुंच गए हैं और उनकी इस संबंध में मदद की जा रही है। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने कहा है कि विमान हादसे की खबर सुनकर वह हैरान है और व्यापक तलाशी तथा बचाव कार्य का आदेश दिया है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की खबर के अनुसार दुर्घटना के तुरंत बाद जारी निर्देशों में सी ने कहा कि कुनमिंग से गुआंजो जा रहे चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के विमान MU-5735 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनकर वह हैरान है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए विस्तृत खोज और बचाव अभियान चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जा रही है और विमानन क्षेत्र तथा लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। सदर्न थिएटर कमान ने सोमवार को कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टीम तत्काल राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंची है। सरकारी मीडिया के अनुसार विमान तेजी से पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में हताहत हुए लोगों के संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विमान में सवार लोगों के जीवित होने की संभावना बहुत क्षीण है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।